मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे 30 दिन की जबरी छुट्टी पर भेजा जा रहा है, बल्कि मुझे तो कैद कर दिया जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा काम तुम संभाल लो, ये अच्छा मौका है, इससे फायदा उठाओ और नफा कमाओ। लेकिन रमजान के महीने में तुम जो कुछ भी करो मुझे उससे आगाह रखना। हमारे दरमियान मुआहदा होना चाहिए कि हम रमजान के महीने में दुनिया भर के मुसलमानों को गफलत में डाले रखेंगे ताकि वो नेकी और इबादत से दूर रहें, इस तरह वो खसारे में रहेंगे। जरूर जरूर जनाब, मैं इस माहदे पर कायम हूँ, बल्कि आपकी तवक्को से बढ़कर काम करूँगा। तुम क्या करोगे? मैं रोजे का सारा दिन मुसलमानों को मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल देखने में मसरूफ रखूंगा और इन्हें इबादत से दूर कर दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा, तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। गौर से सुनो, तुम तारीखी और दीनी मौजूआत, सीरत, सहाबा और खुलफाए राशिदीन की जिंदगियों, इस्लामी फतुहात की तारीख और तारीख इस्लाम पर ड्रामा सीरियल बनाओ ताकि मुसलमान इनमें दिलचस्पी लें और इनमें मगन होकर इबादत से गाफिल हो जाएं। आप फिक्र न करें, हमने इस तरह के सैकड़ों काम कर लिए हैं। हम इन्हें खाने पकाने की तरकीबें, मजाया खाके, मौसीकी के प्रोग्राम, नगमे, मुख्तलिफ किस्म के मुकाबले और दीगर प्रोग्राम दिखाएंगे। तमाम ड्रामों, दूसरे प्रोग्रामों और मुकाबलों में हम औरतों के नाच गाने डाल देंगे, हत्ता के अजान से पहले और बाद में भी मुख्तलिफ चीजों के इश्तेहारात के नाम पर नौजवान लड़के और लड़कियों के झूमने के वीडियो क्लिप्स दिखाएंगे। मैं चाहता हूँ मुसलमान गफलत में डूबे रहें, गफलत में डूबे रहें। इस खानदान को तो देखो, इफ्तारी से पहले का वक्त है जो दुआ की कबूलियत की घड़ी है, मगर ये लोग खराटे मार रहे हैं। इफ्तारी के बाद तरावीज के बजाय टेलीविजन देखते रहते हैं। इस तरह सहरी का वक्त हो जाता है जो इबादत और दुआ की कबूलियत का वक्त है, मगर ये सहरी ट्रांसमिशन देखते रहते हैं। हर घर में यही हाल होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुसलमान गफलत में डूबे रहें, गफलत में डूबे रहें। आप मुझे मौका तो दें, आप बस मुतमईन हो जाएं, मैं आपकी कमी महसूस होने नहीं दूंगा। हम ऐसे प्रोग्राम दिखाएंगे कि नौजवान लड़के और लड़कियां टेलीविजन स्क्रीन से चिमटे ही रहें। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें खुली छुट्टी दे रहा हूँ। रमजान का महीना साल में एक ही दफा आता है और ये मौका तभी मिलता है, जो कुछ कर सकते हो कर लो। देखो, मैंने मुसलमानों को कुरान करीम से दूर करके उन्हें सोशल मीडिया पर उलझा दिया है। वो कुरान करीम की तलावत और उसके मानों पर गौर व फिक्र नहीं करते, बल्कि लुग़्व बातों में मसरूफ रहते हैं। तुम गुनाह और बुराई की बातों को नेकी के रूप में पेश करते रहो। मुसलमान गुमराह होकर अपनी तरफ से तो नेकी के काम करेंगे, मगर असल में वो गुनाह के काम होंगे और कोई तुम्हें बुरा भी नहीं कहेगा। जब हिसाब किताब का फैसला हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, जो वादा खुदा ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था, और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था। हाँ, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहा मान लिया। तो आज मुझे मलामत न करो, अपने आप ही को मलामत करो। न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम हैं उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है।